बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। फैज अहमद फैज की ये नज्म है बोल, उसी की ये लाइंस है, और फैज की इस नज्म को याद किया है शबाना आजमी ने। शबाना को एंटी बीजेपी बताकर ट्रोल किया जा रहा है, इसी का जवाब देते हुए शबाना ने फैज का लिखा ट्विटर पर पोस्ट किया। इसके बाद उनका एक और ट्वीट आया, इसमें उन्होंने खुद को एंटी बीजेपी बताकर खारिज करने वालों के लिए लिखा है, बात याददाश्त में रहे इसलिए बता रही हूँ, सफदर हाशमी की हत्या पर मैंने कांग्रेस के नेता HKL भगत के खिलाफ सार्वजनिक मोर्चा खोल दिया था, मैंने नेशनल टेलीविजन पर इमाम बुखारी को चुनौती दी थी, इसके बाद उन्होंने मुझे नाचने वाली कहा था, संसद के दोनों सदनों में इस बात की निंदा हुई थी, मैंने 3 तलाक और हलाला इन सबके खिलाफ बार बार बोला है, तो बताइए कौन सिलेक्टिव हुआ। क्या कहा था शबाना ने ये बताते हैं आपको। शबाना एक कार्यक्रम में शिरकत करने इंदौर पहुंची थी, वहां वो इंटॉलरेंस मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर बात करते हुए बोली कि भारत एक आजाद मुल्क है, वो जो महसूस करती हैं वो खुलेआम बोलती हैं। वातावरण इस तरह का बन रहा है कि अगर आपने कोई भी बुराई लेकर आए खास तौर से सरकार के खिलाफ तो आपको एंटी नेशनल फॉरन कह दिया जाता है। इससे डरना नहीं चाहिए और इनकी सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत भी नहीं। हम वही करेंगे, हम एक गंगा जमुनी तहजीब में पले बड़े लोग हैं और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान एक इतना खूबसूरत मुल्क है और यहाँ आप इस तरह से लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे तो ये मुल्क के लिए सही हो ही नहीं सकता। शबाना की कही इन बातों के बेसिस पर उन्हें एंटी बीजेपी बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग और अवार्ड वापसी गैंग की नई नेता बता दिया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी उन्हें अवार्ड वापसी गैंग का हिस्सा ठहरा दिया है। ट्विटर पर कई कट्टरपंथी उनके लिए बेहुदे कॉमेंट्स कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि शबाना को बस बीजेपी से ही दिक्कत है, कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए कोई बहाना चाहिए। इसी के जवाब में शबाना ने लिखा कि वो पहले भी सत्ता के खिलाफ बोलती आई हैं, जहां जरूरी लगा स्टैंड लेती आई हैं। सफदर हाशमी की हत्या के बाद शबाना ने क्या किया था, अब आपको ये बताते हैं। जिन सफदर हाशमी का शबाना ने जिक्र किया है वो बेहतरीन नाटककार थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से आते थे। 1 जनवरी 1979 को साहिबाबाद में हल्ला बोल नाम के एक नाटक का मंचन करते समय उनके ऊपर हमला हुआ। अगले दिन अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। हाशमी की हत्या के करीब 10 दिन बीते थे जब नई दिल्ली में 12वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ। केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। शबाना प्रोग्राम में पहुंची और उन्होंने कांग्रेस की खूब छींछालेदर की। प्रोग्राम में बैठे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकारों और प्रतिनिधियों के सामने शबाना ने सफदर की जो हत्या है उसका इल्ज़ाम लगाया कांग्रेस पर। कहा, हम इस सिस्टम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये सिस्टम एक तरफ को रचनात्मकता को बढ़ावा देने का दावा करता है और दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की हत्या में मौन सहमति देता है। वहाँ प्रोग्राम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री HKL भगत भी मौजूद थे। शबाना जब कांग्रेस सरकार की थूथू कर रही थी तब वो प्रोग्राम दूरदर्शन पर लाइव हो रहा था। शबाना ने जो डैमेज किया कांग्रेस को वो आने वाले समय में याद रखा जाने वाला था। आपकी क्या राय है कमेंट्स में लिखकर ज़रूर हमें बताएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।